माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सुनीता मिश्रा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर माफी मिर्जापुर से कक्षा 9 के संस्कृत विषय उपविषय संस्कृत व्याकरण प्रकरण अनुवाद के संबंध में आज अध्ययन करेंगे। हमारे शिक्षण का मुख्य बिंदु है अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद के आवश्यक तत्व, लकारों का अनुवाद तथा कारकों का अनुवाद। अनुवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनु और वाद। अनु अर्थात पश्चात, वाद अर्थात कहना। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने या रूपांतरित करने को अनुवाद कहते हैं। उसी प्रकार किसी अन्य भाषा के वाक्यों का संस्कृत में परिवर्तन या रूपांतरण संस्कृतानुवाद कहलाता है। अनुवाद के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना यह अनुवाद संभव नहीं है। वो तत्व हैं वचन, पुरुष, कर्ता, क्रिया, काल, लिंग और कारक। चलिए हम लोग सर्वप्रथम वचन को देखते हैं। संस्कृत में वचन तीन होते हैं। एक वचन एक वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, द्विवचन दो वस्तु के लिए और बहुवचन दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुष, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात कही जाती है, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए और उत्तम पुरुष जो बात को कहता है। प्रत्येक पुरुष तीन वचन में होते हैं। क्रियाओं के रूप भी पुरुषों के आधार पर ही चलाए जाते हैं, अतः ये क्रियाएं भी नौ होती हैं। ये नौ क्रियाएं पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। क्रियाओं से जुड़ने वाले कर्ता भी नौ प्रकार के होते हैं। सह, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, युयम, तुम सब, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। अब हम चलते हैं कर्ता पर। कर्ता, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया के पहले कौन का प्रश्न लगाने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, रामः पठति, यहाँ पठति क्रिया है। पठति के आगे हमने कौन का प्रश्न लगाया तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ राम पढ़ता है, तो यहाँ राम हमारा कर्ता हो गया। अगला हमारा तत्व है क्रिया, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। काल, क्रिया के तीन काल होते हैं, वर्तमान काल जो समय चल रहा होता है, भूतकाल जो समय बीत गया होता है और भविष्यत काल जो समय आगे आने वाला होता है। लिंग, लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुलिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, नपुंसक लिंग जिससे न पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है। कारक, कारक सामान्यतः आठ प्रकार के होते हैं परंतु संस्कृत में छह ही कारक होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं कहा जाता है। ये कारक हैं कर्ता, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है जिसका चिन्ह ने है। कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है जिसका चिन्ह को है। करण, करण में तृतीय विभक्ति होती है जिसका चिन्ह से के द्वारा है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह को के लिए है। अपादान, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह से अलग पृथक होने के अर्थ में होता है। संबंध, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह का के की रा रे री ना ने नी है। अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह में पर ऊपर है। संबोधन, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसका चिन्ह हे भो अरे है। अब हम अपने अनुवाद पे आते हैं, वर्तमान काल के अनुवाद पे। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। लट लकार के प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युवम तथा उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होता है। जैसे बालकः पठति, लड़का
पढ़ता है, यहाँ बालकः करता है, तो बालकः करता है, कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन की है, तो क्रिया भी हमारी पठती प्रथम पुरुष एकवचन की ही है। बालकौ गच्छतः, दो लड़के जाते हैं, यहाँ पर बालकौ कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष द्विवचन की है। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, यहाँ त्वं कर्ता है, कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एकवचन का है, क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष एकवचन की ही है। यूयं पठत, तुम सब पढ़ते हो, यहाँ पर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है, क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन की है। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, यहाँ मैं हमारा कर्ता उत्तम पुरुष एकवचन का है, अतः क्रिया भी हमारी पश्यामि उत्तम पुरुष एकवचन की प्रयुक्त हुई है। उसी प्रकार वयम पश्यामः, हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते में वयम हमारा कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, अतः हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही प्रयुक्त हुई है। अब हम चलते हैं लंग लकार पे। लंग लकार, जो काम बीते समय में हो चुका होता है उसे भूतकाल कहते हैं, और संस्कृत में भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे छात्र अगच्छत, छात्र चला गया, यह वाक्य भूतकाल का बोधक है, तो यहाँ पर भूतकाल के वाक्य के प्रयोग में यहाँ पर अगच्छत लंग लकार का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार यूयम अपतत, तुम लोग गिर गए, यह भी भूतकाल का वाक्य है, अतः यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है। सह अपश्यत, उसने देखा, यहाँ पर उसने देखा, यह भी वाक्य भूतकाल का है, अतः यहाँ लंग लकार का प्रयोग हुआ है। लंग लकार में कहीं कहीं वर्तमान काल की क्रिया में स्म शब्द जोड़ देने से भूतकाल व्यक्त होता है। जैसे बालकः गच्छति स्म, बालक लड़का जा रहा था, यहाँ पे बालकः गच्छति यह वर्तमान काल का वाक्य है, परंतु इसमें स्म शब्द जोड़ देने से यह वाक्य भूतकाल का हो गया, अतः यह लंग लकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। बालिका लिखती स्म, लड़की लिख रही थी, यहाँ पे बालिका लिखती यह वाक्य भी वर्तमान काल का है, परंतु स्म प्रत्यय जोड़ करके यह वाक्य भूतकाल का बना है। अगला हमारा है लृट लकार, भविष्यत काल, जो काम आगे आने वाले समय में होगा उसके लिए भविष्यत काल का प्रयोग किया जाता है, इसका संस्कृत में लट लकार के रूप में प्रयोग होता है। जैसे सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, यहाँ वह पढ़ेगा अर्थात अभी वो आगे कार्य करेगा, तो यह वाक्य भविष्यत काल का है, अतः यहाँ पर लृट लकार का प्रयोग हुआ है। वह सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी, यहाँ पर भी यह भविष्यत काल का वाक्य है, अतः यहाँ पर लृट लकार का प्रयोग हुआ है। राम अह श्यामश्च गमिष्यतः, राम और श्याम जाएंगे, ये भविष्यत काल का वाक्य है, अतः यहाँ पर लृट लकार का प्रयोग हुआ है। लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, इच्छा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि अर्थों में होता है। जैसे सह लिखतु, वह लिखे, यहाँ आज्ञा प्रदान की जा रही है, अतः यहाँ पर सह लिखतु इस वाक्य में लोट लकार है। उसी प्रकार त्वं पठ, तुम पढ़ो, यहाँ पर भी आज्ञा प्रदान की जा रही है, अतः यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है। चिरंजीवी भव अर्थात दीर्घायु हो, यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, अतः यह लोट लकार का वाक्य है, अतः यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग भव हुआ है। किम अहम गच्छानी, क्या मैं जाऊँ, किम अहम लिखानी, क्या मैं लिखूँ, इसमें अनुमति प्राप्त की जा रही है, अतः यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले लकार विधिलिंग लकार पर। विधिलिंग का प्रयोग जहाँ पर भी वाक्य में चाहिए शब्द आता है वहाँ पर होता है। जैसे इच्छा प्रकट करना, अनुमति, प्रार्थना, संभावना, सामर्थ्य प्रकट करना इत्यादि अर्थों में विधि वाक्य का प्रयोग होता है।
जैसे बालकः पठेत, बालक को पढ़ना चाहिए। यहाँ चाहिए अर्थ में विधि वाक्य है, अतः यहाँ पर विधि लिंग लकार का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार बालकाः पठेयुः, लड़कों को पढ़ना चाहिए। यहाँ चाहिए अर्थ में विधि वाक्य है, इसलिए यहाँ विधि लिंग लकार का प्रयोग पठेयुः हुआ है। छात्रः तत्र पठेत, छात्र को वहाँ पढ़ना चाहिए। यहाँ चाहिए में विधि वाक्य है, इसलिए यहाँ पठेत में विधि वाक्य का प्रयोग हुआ है। अब हम अपने कारकों के अनुवाद पर आते हैं। सर्वप्रथम हम कर्ता कारक पर आएंगे। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका चिन्ह ने होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये ने जो होता है छुपा होता है। जैसे रामः लिखति, राम लिखता है, यहाँ पर राम हमारा कर्ता है, अतः इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है, यहाँ बालकः शब्द हमारा कर्ता है, अतः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में बिना विभक्ति लगाए शब्द निरर्थक होते हैं, अतः अर्थ बताने वाले संज्ञा शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भानु शशि वा गच्छति, भानु या शशि जाता है, यहाँ भानु और शशि संज्ञा बताने वाले शब्द हैं, अतः यहाँ पर भानु और शशि में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार शुकः एकः पक्षी अस्ति, तोता एक चिड़िया है, यहाँ पर शुकः एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग बताने वाले शब्दों के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और तटम नपुंसकलिंग, अर्थात जिसका अर्थ होता है किनारा। जैसे इदम एकम नगरम अस्ति, यह एक नगर है, यह नपुंसकलिंग का वाक्य है, अतः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार इयम एका नगरी अस्ति, यह एक नगरी है, यह स्त्रीलिंग का वाक्य है, अतः यहाँ पर नगरी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम आते हैं अब अपने कर्म कारक पर, जिसमें कि द्वितीय विभक्ति होती है। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कर्म कारक होता है, अर्थात जिस पर क्रिया का फल समाप्त होता है उसमें कर्म कारक होता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बालकः वानरं ताड़यति, लड़का बंदर को मारता है, यहाँ लड़का सबसे ज़्यादा किस कार्य को चाहता है, अर्थात बंदर को मारना चाहता है, तो यहाँ बंदर को वानरं, वानरं में द्वितीय विभक्ति हुई है। उसी प्रकार बालिकाः गीतं गायन्ति, लड़कियाँ गीत को गाती हैं, यहाँ पर लड़कियां गीत को गाती हैं, किसको गाना चाहती हैं, सबसे ज़्यादा किसको पसंद कर रही हैं, गीत को गाना, अतः यहाँ पर गीतम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार याच मांगना, पच पकाना, पृच्छ पूछना, ब्रू बोलना, नी ले जाना, ह्री चुराना आदि 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गुरु छात्रम प्रश्नम पृच्छति, गुरु छात्र से प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे गुरु छात्र से प्रश्न को पूछते हैं, यहाँ छात्र से लोग देखते हैं और कहते हैं कि यह करण कारक है, लेकिन नहीं, यहाँ पृच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए छात्र से में भी द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि पृच्छ धातु कर्म कारक विधायक है, अतः छात्रम और प्रश्नम में द्वितीय विभक्ति हुई है। उसी प्रकार शिशुः मातरम मोदकम याचते, बच्चा माँ से लड्डू मांगता है, यहाँ पर याच धातु के योग में द्वितीय विभक्ति मातरम और मोदकम में लगी हुई है। गोपालः पुस्तकम गृहम नयति, गोपाल पुस्तक घर ले जाता है, यहाँ पे नी धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पुस्तकम और गृहम में हुआ है। हम अब अपने अगले कर्ता पर कारक पर चलते हैं। करण कारक,
जिसकी सहायता से कर्ता अपने किसी भी कार्य को करता है उसमें करण कारक होता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। जैसे छात्र मुखेन खादति, छात्र मुख से खाता है, तो कर्ता जिसकी सहायता से अपने कार्य को करता है उसमें करण कारक होता है। तो यहाँ छात्र मुख से, मुख के द्वारा भोजन खा रहा है, इसलिए यहाँ पर मुखेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार अहम कंदुकेन क्रीणामि, मैं गेंद से खेलता हूँ, यहाँ पर कर्ता गेंद से खेल रहा है, अतः यहाँ पे कंदुकेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कभी करण कारक में साथ का अर्थ रखने वाले शब्दों में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सहसाकम समम योगे तृतीया विभक्ति। जैसे अहम जनकेन साकम आपणम गच्छामि, मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। यहाँ साकम शब्द है, तो जिसके साथ जाया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ जनकेन के साथ जा रहा, पिता के साथ जा रहा है, अतः जनकेन में तृतीया विभक्ति है। सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन जाती है। यहाँ सीता राम के साथ सह के योग में रामेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिस शब्द में शरीर के किसी अंग में विकार या कमी को दिखाया जाता है उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः नेत्रेण काढ़ः अस्ति, राम नेत्र से काढ़ा है, यहाँ नेत्र में विकार को दिखाया गया है, अतः नेत्रेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार सह पादेन खंजह, वह पैर से लंगड़ा है, यहाँ पर पैर में विकार को दिखाया गया है, अतः पादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करण कारक में समानार्थक तुल्य समह समान शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अर्जुनेन समह धनुर्धारी न आसीत, अर्जुन के समान धनुर्धारी नहीं था, यहाँ पर समह के योग में अर्जुनेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार सीतायाः मुखम चंद्रेण तुल्यम अस्ति, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ तुल्यम शब्द के योग में चंद्रेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम आते हैं संप्रदान कारक पर। जिसको कोई वस्तु दी जाती है या उसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह है से को, सॉरी को या के लिए। जैसे सह दारिद्रेभ्यः धनं यच्छति, वह दरिद्र को धन देता है, यहाँ पर संप्रदान कारक का नियम है कि जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ दरिद्र को धन दिया जा रहा है, अतः दरिद्रेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार नृपः भिक्षुकेभ्यः भोजनं ददाति, राजा भिक्षुओं को भोजन देता है, यहाँ पर दा धातु का प्रयोग हुआ है और देने वाली धातु दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर भिक्षुकेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मह्यं मोदकाः रोचन्ते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, यहाँ पर रुच धातु आई है रोचन्ते, अतः यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असह्य धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे जनकः पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर गुस्सा होता है, जिस पर क्रोधित हुआ जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर जनकः पिता पुत्राय क्रुध्यति, पुत्र पे क्रोधित हो रहा है, इसलिए यहाँ पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
उसी प्रकार दुर्जनाः सज्जनेभ्यः ईर्ष्यन्ति, दुर्जन सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ पर ईर्ष्यन्ति का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर सज्जनेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम आते हैं अपने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा तथा अलम के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है, यहाँ नमः शब्द का प्रयोग है, अतः यहाँ गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर स्वस्ति शब्द आया है, इसलिए पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु किसी चीज़ से प्रत्यक्ष या कल्पित रूप से अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है से, अर्थात अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हुए अलग होते हुए स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ पर वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कूपात जलम आनय, कुएं से पानी लाओ, यहाँ पर कुएं से जल का अलग होना प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ पर कूपात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सम अपादान कारक में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सह चौरात विभेति, वह चोर से डरता है, तो अपादान कारक में होता क्या है, नियम ये कहता है कि जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर चोर से डरा जा रहा है, अतः यहाँ पर चौरात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्रम पापात त्रायते, पिता पुत्र को पाप से बचाता है, पंचमी विभक्ति हमारी कहती है कि जिससे रक्षा की जाती है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर पिता पुत्र को किससे बचा रहा है, पाप से बचा रहा है, अतः पाप से रक्षा कर रहा है, इसलिए यहाँ पापात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक में जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अहम गुरोः व्याकरणम पठामि, मैं गुरु से व्याकरण पढ़ता हूँ, यहाँ पर गुरु से व्याकरण नियम पूर्वक पढ़ रहा अर्थात प्रतिदिन पढ़ रहा है, अतः यहाँ गुरोः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार बालकाः अध्यापकात् गणितम पठन्ति, लड़के अध्यापक से गणित पढ़ते हैं, यहाँ पर लड़के अध्यापक से प्रतिदिन गणित पढ़ रहे हैं, हमारा नियम कहता है कि जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अतः यहाँ अध्यापक से नियम पूर्वक गणित को पढ़ा जा रहा है, अतः यहाँ अध्यापकात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम आते हैं संबंध कारक पर। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य संबंध दिखाया जाता है तो उसमें संबंध कारक होता है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है का के की रा रे री या ना ने नी। जैसे कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः आसीत, कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे, यहाँ कृष्ण और वसुदेव में संबंध दिखाया जा रहा है, अतः यहाँ पर वसुदेव में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामः भरतस्य ज्येष्ठ भ्राता आसीत, राम भरत के बड़े भाई थे, यहाँ राम भरत के बड़े भाई हैं, यहाँ राम और भरत में संबंध दिखाया जा रहा है, अतः इसलिए यहाँ पर भरतस्य भरत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम आते हैं अपने अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति पर। जिस स्थान में कोई कार्य होता है उसमें अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण के लिए चिन्ह है में पर पे। जैसे अहम आसने उपविशामि,
मैं आसन पर बैठा हूँ। तो अधिकरण कारक क्या कहती है, जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ अहम आसने उपविशाम, आसन पर कार्य बैठा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ आसने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह नगरे वस्ति, वह नगर में रहता है, यहाँ नगरे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति में जिस पर स्नेह किया जाता है, जिससे भक्ति या विश्वास किया जाता है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे माता बालके स्नेहति, माँ बालक से स्नेह करती है या प्रेम करती है। यहाँ माता बालक से स्नेह कर रही है, इसलिए यहाँ बालके में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम अब आते हैं संबोधन और आखिरी कारक पर। जिसे पुकारा जाता है उसमें संबोधन होता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है हे, अरे, ए आदि, ये चिन्ह शब्द से पहले लगते हैं। जैसे भो पुत्र, त्वम कुत्र गच्छसि, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। भो छात्र, इहा गच्छ, अरे छात्र यहाँ आओ। ये हमारा अनुवाद प्रकरण समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने गृह कार्य की ओर। हमारे गृह कार्य का पहला प्रश्न है, दिए गए हिंदी अनुच्छेदों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों आप लोग अनुवाद अनुच्छेद लिखिए। दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनके चार पुत्र थे, चारों पुत्रों में राम सबसे बड़े थे, राम पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन गए, वहाँ रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कोरोना से बचाव के पांच उपाय हिंदी में लिख करके उसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बच्चों एक गृह कार्य मैं आप लोगों को और देती हूँ। आगामी आने वाले दिनों में दीपावली का त्यौहार है, तो आप सभी लोग दीपावली से संबंधित 10 वाक्य हिंदी में लिखिए और उसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने गृह कार्य को पूरा करेंगे, जिससे कि आप लोगों का यह अनुवाद प्रकरण आसानी से पूर्ण हो सके। दिए गए अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िएगा और इसे करिएगा। यह अनुच्छेद लंग लकार का है। धन्यवाद।